मैं जब ये बातें कर रहा था तो ये इतना हो गया, पूरी दुनिया अलर्ट हो गई। ये भाई, भाई ये मैं जा रहा हूँ। आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप क्या कर रहे हैं आप यार? खुदा का वास्ता, आज आपने 2-2.5 साल चोर डाकू, मैं लफ्ज इस्तेमाल करना भी मैं इंसानियत की हद तक समझता हूं। मैं ये जरूर कहूंगा कि आप अपने गरेबान में झांके, अपने पंजाबी में कहते हैं अपने मंजी थले आप अपना झाड़ू दें, क्या कहते हैं मंजी थले की डांग दे, मंजी थले डांग दें, मंजी थले डांग दें, डांग फेरे, सॉरी मंजी, आई एम सॉरी, मैं माफी, मंजी तले डांग फेरे, नहीं बैठ सवाल नहीं, ये भाई, भाई ये मैं जा रहा हूँ। आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप क्या कर रहे हैं आप यार? मैं इंशाल्लाह वादा करता हूँ जल्द आपसे मिलूंगा और फिर वो बातें बताऊंगा जिससे पाकिस्तान अजीम बनेगा, अजीम बनेगा। जो आज हमें बिजली लेना चाहता है, हम पाकिस्तान पूरी मैं अब भाई आप खामोश हो जाए, बिल्कुल इसको खामोश होना है, बिल्कुल आपकी बात होगी, बात खत्म होगी। इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना कराची पिशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम जमान शरीफ है। साहब सुन लो और अली बाबा 40 चोरों के जो टोने सुन लो, अंधेरे छटेंगे रोशनी आने की बात कर। एक पाई की खुद बुर्ज का इल्जाम लगाए और उसको सच्चा साबित करे, आपका गरेबान होगा मेरा, आपका हाथ होगा मेरा गरेबान होगा। जनाब आसिफ जरदारी साहब, जो आपने पाकिस्तान के पैसे चोरी किए हैं और जो डाके मारे हैं वो वापस कर दें, वगरना ये इंसानों का समंदर आपके पेट से एक एक पाई निकलवा कर इस कौम के किस्मत पर निछावर करेंगे। मैं सबसे आगे लगूंगा जरदारी की गोली, मैं खाऊंगा पाकिस्तान को और आखिरी दम तक पाकिस्तान की जंग लड़ेंगे, पाकिस्तान को मजबूत बनाएंगे, गुर्बत और बेरोजगारी को हमेशा के लिए दफन करेंगे। मैं जब ये बातें कर रहा था तो ये इतना हो गया, पूरी दुनिया अलर्ट हो गई कि ये पाकिस्तान के अंदर अंगयाल की भीख को खत्म करने की बात हो रही है। वक्त आएगा इंतखाबात के बाद जर बाबा 40 चोरों से अपनी लूटी हुई दौलत वापस इनके पेटों से निकाल कर आपके कदमों में निशावर करेंगे। नवाज शरीफ इस मुल्क का अल्लाह ताला के फर्ज करम से और आपकी दुआ और वोटों से वजीर आजम बनेगा तो ये 2 रुपए की रोटी पंजाब नहीं पूरे पाकिस्तान में 2 रुपए की रोटी होगी इंशाल्लाह। ये सोचा है हमने कि अब जिंदगी भर तुम्हारी मोहब्बत को सजदा करें।